बाद बिहार की राजधानी पटना में आज सुबह सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां पर चेन स्नैचिंग का विरोध करने पर बेखौफ अपराधियों ने बीजेपी नेता श्याम सुंदर उर्फ मुन्ना शर्मा की हत्या कर दी। श्याम सुंदर पटना सिटी चौक से नगर मंडल अध्यक्ष थे और रविवार को उनके बेटे की एंगेजमेंट थी और आज सुबह वो रिश्तेदारों को छोड़ने गए। वहीं लौटते वक्त अपराधी चेन छीनने लगे तो विरोध के चलते बदमाश ने उनके सिर में गोली मार दी, जबकि दूसरे ने चाकू से कई बार हमले किए। इस दौरान मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों ने शव देखा तो पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद उन्हें पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि श्याम सुंदर सड़क किनारे बैठे हैं, तभी बाइक से 3 बदमाश वहां पर पहुंचते हैं। श्याम सुंदर ने विरोध किया तो अपराधी ने सिर में गोली मार दी, दूसरे ने चाकू से हमला किया। चेन लूटने के बाद तीनों लोग बाइक पर भाग निकले। वहां खड़े लोग पहले तो चुपचाप सब देखते रहे, गोली चलते ही भाग निकले। वही हत्या की इस वारदात पर राष्ट्रीय जनता दल ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाने शुरू किए। इसी बीच आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सवाल उठाया कि अगर सत्ताधारी दल के नेता सुरक्षित नहीं है तो फिर सेफ कौन है। बिहार में इस डबल इंजन की एनडीए सरकार में अपराधियों का बहार है और जिस तरह से आज सुबह सवेरे ही पटना सिटी में राजधानी में एक भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, लगातार हत्याओं का दौर जारी है। अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ है, कब कौन कहां किसे गोली मार दे इसका पता नहीं है। जब सत्ताधारी दल के नेता सुरक्षित नहीं है तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। अब विपक्ष का ये जो सवाल है वो उठाना जायज भी है, क्योंकि बिहार में पिछले कुछ वक्त के अंदर आपराधिक घटनाओं में इजाफा देखने को मिला है। पटना जिले में जनवरी से जून 2024 तक हत्याओं की संख्या है 172, लूट की 108, डकैती की 23, चोरी की 3500 से अधिक वारदात सामने आ चुकी है। इसमें 489 चोरियां घरों में और 2936 वाहन चोरी हुए हैं। इससे पहले सबसे ज्यादा घटनाएं एसपी पूर्वी के इलाके में हुई, यहां पर हत्या की 61, डकैती की 12, लूट की 36 और चोरी की 1500 से अधिक वारदात हुए हैं। दूसरी तरफ इस पूरे मामले में पुलिस ने अब जांच पड़ताल तेज कर दी है। घटना सामने आने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान शुरू की और अपराधियों की तलाश की जा रही है। सुबह लगभग 6:15 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि नई सड़क सिटी फूड रेस्टोरेंट के सामने एक व्यक्ति जिनका नाम मुन्ना शर्मा था, जिन्हें आपराधिक तत्वों द्वारा जख्मी कर दिया गया है और जिन्हें उनके परिजन अस्पताल ले गए जहाँ उनके इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई है। घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है तथा अन्य अनुसंधान किया जा रहा है। घटना के संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।